राजस्थान ऑप्टोमोलॉजी सोसाइटी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के पास ग्लूकोमा वाकाथोन दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ का उद्देश्य लोगों को ग्लूकोमा यानी कालापानी के प्रति जागरूक करना था। निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान के ऑप्टोमेट्री विभाग के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निम्स हॉस्पिटल के सीनियर ऑप्टोमोल और टेस्ट डॉक्टर महेश अग्रवाल ने बताया कि जयपुर के सभी ऑप्टोमेट्री विभाग के छात्र छात्राएं और शिक्षकों ने दौड़ लगाकर जनता को ग्लूकोमा के प्रति जागरूक किया। निम्स हॉस्पिटल की नेत्र रोग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर जया देवेंद्र ने बताया कि आंखों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर तुरंत नजदीकी ऑप्टोमोलॉजिस्ट से चेकअप करवाएं। हर साल पूरे विश्व भर में 10 मार्च से 16 मार्च को ग्लॉकोमा अवेयरनेस वीक मनाई जाती है और उसी के संदर्भ में ये ग्लॉकोमा वॉकथॉन ऑर्गेनाइज हुआ था। क्यों अवेयरनेस या जागरूकता की आवश्यकता है ग्लॉकोमा में? ग्लॉकोमा एक बहुत साइलेंट डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स कई बार बहुत धूम धड़ाके के साथ नहीं आते हैं, पेशेंट को काफ़ी देर तक पता नहीं चलता है और डायग्नोसिस डिले हो जाती है। डायग्नोसिस डिले होने की वजह से पेशेंट की ऑप्टिक नर्व में अट्रोफी या जिसे हम कहें कि वो सूख जाती है और ये जो प्रक्रिया है ये इरिवर्सिबल है, इसको हम वापस फिर ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि लोग जागरूक हों इस बीमारी के प्रति और उन्हें पता हो कि ग्लॉकोमा का इलाज ही नहीं उसकी जानकारी भी उनके पास होनी चाहिए, तो इसीलिए मनाया गया था। विश्व में 6 करोड़ लोग ग्लूकोमा से पीड़ित हैं और उसमें भारत में ही 1.2 करोड़ ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। ग्लूकोमा की अगर जानकारी शुरू में हो जाए, समय रहते अगर इसका मालूम पड़ जाए ग्लूकोमा से पीड़ित है, तो इस बीमारी का इलाज संभव है, दवाई से भी और ऑपरेशन से भी। मरीज लोगों को मालूम नहीं पड़ता, आम आदमी को उसके ग्लूकोमा से पीड़ित है और उसकी रोशनी सदा के लिए चली जाती है। जो रोशनी काले पाने में ख़त्म हो जाती है वो रोशनी कभी भी नहीं आती। अतः आम जन में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना बहुत ही आवश्यक है, जो इसके प्रति जागरूक रहे और समय रहते अपनी जांच करा सकें।